नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। झालावाड़ पुलिस ने चार साथी अंतर जनपद टप्पेबाजों को किया गिरफ्तार। कुठौर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी को बेनी प्रसाद ज्वेलर्स के मालिक सागर पुत्र कृष्ण मुरारी निवासी मदारीपुर ने पुलिस को एक तहरीर दी, जिसमें बताया कि उनकी दुकान पर दो महिला तथा दो पुरुष आए और सोने के जेवरात खरीदने को कहा, तो उन्होंने सोने के जेवरात दिखाए, जिस पर उक्त टप्पेबाजों ने सोने का सामान पार कर दिया। थानाधीश ने टप्पेबाजों की तलाश की तो मदारीपुर सड़क पर उक्त चारों टप्पेबाजों को पकड़कर थाने लाए तथा उनसे पूछताछ की, जिसमें विक्रम पुत्र छित्तर तथा मंजू पत्नी विक्रम निवासी ग्राम नागली थाना MI एरिया जनपद अलवर राजस्थान, पप्पू पुत्र पुनिया तथा रोशनी पुत्र पप्पू निवासी सालपुर थाना अरावली जनपद अलवर राजस्थान को 6 जोड़ी अंगूठी, 2 जोड़ी ब्रजवाला, 1 जोड़ी झुमकी, 4 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। ज्वेलर्स मालिक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 41/21 धारा 379/411 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि चार साथी अंतर जनपदी टप्पेबाजों को मदारीपुर सड़क से गिरफ्तार किया है। इनके पास से ज्वेलर्स की दुकान से टप्पेबाजी की हुई ज्वेलरी जो लगभग 2.25 लाख रुपए की बरामद हुई है, अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। टप्पेबाज गिरोह आपके पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा, क्या पूरा प्रकरण है और कहां कहां चोरी करते हैं? कुठौर थाने के मदारीपुर में एक सागर सोनी है, उनकी ज्वेलर्स की दुकान है। उसमें आज 10 बजे के बाद सूचना मिली कि दो महिलाएं और दो पुरुष आए थे, उनके यहाँ जेवर खरीदने की बात करके और उसी का झांसा दे करके उनके यहाँ से कुछ जेवरात उठा ले गए हैं और सूचना पर पुलिस वहाँ पहुँची, तलाश की गई। तलाश करने के बाद दो औरतें और दो पुरुष मिले, उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 6 अंगूठी, 2 जोड़ी ब्रजवाला और 1 जोड़ी झुमका, ये सारा का सारा माल बरामद कर लिया गया। उनसे पूछताछ की गई तो उन लोगों ने यह भी कबूल किया कि इसके पहले सितंबर महीने में भी उसी दुकान से एक बार और इन लोगों ने जेवर गायब किया था और इनको पकड़ने में ये पुलिस को सफलता मिली है। ये इनकी सक्रियता का परिणाम है, इनकी भूर प्रशंसा की जाती है। इनके लिए इनको 2500 भी इनाम के रूप में दिया जाएगा कि तत्काल इन लोगों ने एक्ट करके और अभियुक्तों गिरफ्तारी किया। सर, अब तक ये गैंग कहां घटनाएं कर चुका सर? ये सारी पूछताछ की जा रही है, इनका एक बड़ा गिरोह है। अभी इसके पहले कुछ लोग महोबा में पकड़े गए हैं तो वो पूछताछ करके पता किया जाए क्या इनका उससे भी कोई संपर्क है। सर, कुछ महिला और पुरुष कितने लोग इनमें शामिल थे? अभी तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं और 2 पुरुष गिरफ्तार हुए हैं। आगे इनके 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं, उनके माध्यम से इनकी बी टीम की भी तलाश की जाएगी और कौन कौन इसमें सम्मिलित है ये सारी जांच की बात की। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।